आज की वीडियो में आपको करीना कपूर के सेकंड बेबी के लिए होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। करीना कपूर इस वक्त अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में है। सैफ अली खान की मदर शर्मिला टैगोर ने सैफ के सेकंड बेबी को लेकर अपनी परेशानी का बताया है। शर्मिला टैगोर ने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो सैफ के आने वाले बेबी और करीना की सेकंड प्रेगनेंसी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है और उनकी इस टेंशन का रीज़न सैफ की न्यू वेब सीरीज टांडव है। टांडव के रिलीज होने के बाद से सैफ अली खान के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और इसी सब में सैफ का बेबी भी आने वाला है और बेबी के लिए भी कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सैफ ने बताया है कि करीना की डिलीवरी फरवरी में होने वाली है और अभी रिसेंटली ही टांडव सीरीज पर उनके खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल हो चुकी है। टांडव सीरीज में काम करने के लिए सैफ अली खान, उनके डायरेक्टर और राइटर पर काफी बार कंप्लेंट फाइल हुई हैं और उन्हें लीगल प्रोसीडिंग्स का सामना भी करना पड़ रहा है। कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं और करीना और सैफ का बेबी भी आने वाला है। इसी वजह से शर्मिला टैगोर बहुत टेंशन में हैं और इसी वजह से उनकी खुद की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। अब करीना और उनके आने वाले बेबी के लिए भी वो बहुत टेंस्ड हैं। करीना कपूर की डिलीवरी के वक्त और बेबी डिलीवर करने के बाद भी करीना को अकेले टाइम गुजारना पड़ सकता है। सैफ अली खान अपनी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बिजी होंगे और करीना को ये टाइम अकेले ही गुजारना पड़ेगा, जो शर्मिला टैगोर के लिए परेशानी की एक वजह है। करीना कपूर और उनके आने वाली बेबी के लिए ये सब जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।